त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। यदि टैन ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर एक में दिया है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरा दिया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। दिया हुआ है टैन ए बराबर 1/√3। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी तुम्हारा लंब एक और आधार √3 दिया हुआ है। तो चलो एक त्रिभुज लेते हैं, पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में यहाँ पर कह रहा है कि जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है तो यह क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पर टैन ए कह रहा है, ए कह रहा है तो यह इस ए को यहाँ डालेंगे क्योंकि थीटा के जगह पर यहाँ क्या है, ए लिखा हुआ है। क्योंकि क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब तुम्हारा कितना दिया हुआ, यहाँ पर जो दिया रहेगा उसके सामने डालेंगे। यहाँ पर थीटा दिया है तो थीटा यहाँ डालेंगे, अगर यहाँ ए दिया है तो ए यहाँ डालेंगे, तब तो ये लंब होगा। तो इसका लंब कितना है एक और आधार कितना है √3। इसका कर्ण नहीं मालूम है। और यह ए हुआ तो यह कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए बी सी। अब कर्ण बराबर होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तुम्हारा कर्ण कितना दिया हुआ, एसी है, एसी बराबर लंब कितना है बीसी, बीसी के स्क्वायर। आधार कितना है एबी, एबी के स्क्वायर। बीसी कितना दिया हुआ है, एक, एक के स्क्वायर। एबी कितना है √3, √3 के स्क्वायर। एक के स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, √3 के स्क्वायर कितना होता है, जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट क्या होता है, हट जाता है। अगर √3 का स्क्वायर करना हो तो सीधा क्या हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। तो 3 × 1 कितना होगा, 4, तो हो जाएगा √4। √4 के वर्गमूल कितना निकलता है, 2। √4 के वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। तो यह तुम्हारा कर्ण कितना हो गया, 2। अब एक नए त्रिभुज ले लेंगे, या तुम्हारा ए हो जाएगा या बी हो जाएगा या सी हो जाएगा। इसका यह कितना है √3, यह √3 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, यह कितना जाएगा, 2। अब तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ था साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ये कॉस सी है। देखो तो तुम्हारा लंब आधार और कर्ण तीनों मालूम हो गया। अब साइन ए कह रहा है तो साइन के फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, तो तुम्हारा लंब कितना है, एक है, और कर्ण कितना है, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण तुम्हारा 2 हो गया, जो हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस सी कह रहा है। कॉस सी कह रहा है तो यह कॉस के फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तुम्हारा आधार कितना हो जाएगा, जब कॉस सी कह रहा है, सी कह रहा है तो इसका मतलब ये जिसके सामने, जो थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, तो थीटा के जगह पर क्या लिखा है, सी लिखा है। तो सी कह रहा है तो यह कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कहता है आधार बटे कर्ण, तो तुम्हारा यह लंब होगा तो ये आधार होगा, आधार बटा कर्ण 1/2 प्लस। फिर कॉस ए कह रहा है, कॉस ए कह रहा है तो लंब ए होगा और आधार ए होगा। फिर यहाँ पर कॉस ए कह रहा है तो कॉस के फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस के फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस यहाँ ए कह रहा है, ए कह रहा है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो आधार बटा कर्ण √3
दो इंटू, फिर साइन सी कह रहा है, साइन सी कह रहा है, साइन सी कह रहा है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन सी कह रहा है तो लंब कौन होगा, ए होगा, क्योंकि सी कह रहा है सी के सामने का भुजा लंब होगा, तो लंब ए होगा, तो यह कितना होगा, कर्ण होगा, तो लंब बटा कर्ण हो गया। अब ये दोनों क्या, इंटू का अर्थ क्या होता है, गुना, और इससे इसमें क्या गुना होगा, तो क्या होगा, एक बटा चार प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा, थ्री, और टू टू कितना हो जाएगा, फोर। ये दोनों को जोड़ेंगे, वन प्लस क्या हो जाएगा, थ्री, यह हो जाएगा फोर बाई फोर, इसका आंसर हो जाएगा एक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए कह रहा है, कॉस ए कहेगा तो आधार क्या होगा, कॉस के फॉर्मूला था आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए कह रहा है तो यह कितना लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो आधार बटे कर्ण कह रहा है तो रूट थ्री बटा दू इंटू, गुना भी लिख सकते हैं इसको, इंटू का अर्थ गुना होता है। कॉस सी, कॉस सी का क्या होगा, कॉस सी कह रहा है, कॉस के फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस सी कह रहा है तो यह लंब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या लिखा है, सी लिखा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह लंब, तो ये आधार होगा, तो एक बटा आधार बटा क्या होगा, कर्ण माइनस, फिर साइन ए कह रहा है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ए कह रहा है तो ए कह रहा है तो ये तो ऑटोमेटिक लंब हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण गुने, फिर यहाँ साइन सी कह रहा है, तो साइन सी, सी कह रहा है तो सी के सामने का भुजा क्या, यह लंब होगा, तो ये आधार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक बटा दो लंब बटा कर्ण। यहाँ पर साइन सी कह रहा है तो साइन सी के सामने कौन है, रूट थ्री है, तो रूट थ्री लंब होगा या दो कर्ण हो जाएगा, तो रूट थ्री बटा दो। अब इसको गुना करेंगे तो रूट थ्री बटा फोर माइनस, इसको भी गुना करेंगे तो रूट थ्री बटा फोर, इसको हम घटाव करेंगे बटा पर के, तो रूट थ्री माइनस रूट थ्री क्या होगा, जीरो बटा फोर, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। हेलो दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब।